रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के अलावा फ्रांस सहित अन्य नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में हैं। इसके अलावा जॉर्जिया सहित कुछ अन्य ऐसे देश भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं जिनके भविष्य में नेटो सदस्य बनने की संभावना है। हाल ही में फ्रांस और जॉर्जिया सहित बाल्टिक राज्यों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए अपने लड़ाकों को यूक्रेन की धरती पर भेजा है। इसको लेकर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने गुरुवार को अपनी आपत्ति जाहिर की है। मेदवेदेव ने कहा कि अगर नेटो सैनिकों को रूसी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन में तैनात किया जाता है तो उनकी हत्या के बदले इनाम दिया जाना चाहिए। रूसी बिजनेसमैन और एक्टिविस्टों ने भी यूक्रेन को मदद के रूप में उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिले टैंकों को नष्ट करने के लिए इनाम निर्धारित किया है। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेन के पश्चिमी समर्थकों पर निशाना साधते हुए तर्क दिया कि अगर वे मानते हैं कि यूक्रेन में विदेशी सेना भेजने से कोई खतरा नहीं होगा तो वे दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। उनका दावा है कि अगर नेटो सैनिक यूक्रेन पहुंच जाते हैं तो वे गैर लड़ाकू भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मेदवेदेव का कहना है कि यूक्रेन पहुंचने के बाद नेटो सैनिक यूक्रेन का हिस्सा बन जाएंगे जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो उनके साथ भी दुश्मन जैसा ही व्यवहार करना होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन की धरती पर नेटो सैनिकों को भेजने का विचार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रखा था। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलहाल फ्रांस की ऐसी कोई योजना नहीं है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बुधवार को रक्षा प्रमुखों के बीच फोन पर बातचीत के दौरान रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष सेबेस्टियन लेकोर्नू को चेतावनी दी कि यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिकों को भेजने के विनाशकारी परिणाम होंगे। रूस ने भी चेतावनी दी कि यूक्रेन में नेटो सैनिकों को तैनात करने से नेटो सैनिक भी रूस के निशाने पर पहुंच जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेतावनी जारी कर चुके हैं कि यूक्रेन की धरती से युद्ध लड़ने वाले सभी लोग रूस के लिए वैलिड टारगेट होंगे। हालांकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति की चेतावनी का यूक्रेन और उसके मददगारों पर क्या असर पड़ता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर रूसी चेतावनी से यूक्रेन के मददगार पीछे हटते हैं तो ये तय है कि यूक्रेन युद्ध हार जाएगा और हो सकता है कि रूस की रणनीति यही हो कि उसकी धमकी से बाकी लोग पीछे हट जाएं और वो आराम से यूक्रेन पर अपनी मनमानी कर सके।